Veteran film writer and lyricist Javed Akhtar, who is chairman of the Indian Performing Rights Society IPRS, today distributed 13 crores rupees amongst its members as part of the royalty given by music companies. The Akhtar-headed 48-year-old copyright royalty collection body is an officially registered copyright society for musical works and associated literary works in India. As many as 2,800 members of the IPRS will be paid synchronization royalty on behalf of various music companies. The 73-year-old writer has long been championing the cause of getting royalties for writers and music composers, but said it would be unfair to call today's event a victory. Akhtar stressed this was not mechanical royalty, which is used for radio and streaming platforms, but synchronization royalty that comes into play when films, songs of an artist are used in ads, videos or other films. The said music companies have given a collective sum of 13 crores for the last 6 years. Members who have less than 10 songs will be given 10,000 rupees, while those with more than 10 songs will be paid 53,000 rupees. Though several companies have come forward and paid royalties, headed by Bhushan Kumar and the banner headed by Rani Mukherjee's husband, are yet to join the movement. Akhtar, however, said there is no bitterness and he is in talks with both the companies. And let's hear more from the man of the moment himself, Javed Akhtar. मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि लोगों के चेहरे पे खुशी है और होनी चाहिए. ये क्रिएटिव लोग हैं, ये काम करते हैं जो दुनिया में पहुंचता है और इनको इनका अधिकार नहीं मिले, वो तो बात बिल्कुल ठीक नहीं. लेकिन बहुत अच्छा है कि कानून भी बदल गया और जब कानून बदला तो लोग भी बदले और आज आप ये दिन देख रहे हैं. अब सिस्टम हमने बहुत करेक्ट किए हैं और अब आपको हर 3 महीने पे रॉयल्टीज कंपोजर्स, राइटर्स को और पब्लिशर्स को सबको मिलेगी. असल में कोई इस तरह की लॉक्ड रॉयल्टी नहीं है. जैसे लॉक्ड कहते हैं ना कि आपको मालूम है कि इसका गाना इतनी बार बजा तो इसका इतना बजा, ऐसा नहीं है. उन्होंने एक जो है एक जेस्चर दिखाने के लिए, 7 कंपनी हैं, सारी कंपनियों ने नहीं दिया, ये सिर्फ 7 कंपनियों का दिया हुआ है. तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये 13 करोड़ दे रहे हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन है ये मैकेनिकल के लिए नहीं है. एक मैकेनिकल राइट होता है, एक राइट होता है अंडरलाइंग कि अगर गाना बजा रेडियो पे, टेलीविज़न पे तो आपकी रॉयल्टी हुई, उन सब के लिए नहीं है. ये स्ट्रीमिंग का नहीं है, अब तो स्ट्रीमिंग में बहुत अब रॉयल्टी जनरेट हो रही है. ये सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन है. सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि अगर आपकी पिक्चर का गाना लेके किसी एड में इस्तेमाल किया, आपकी पिक्चर का गाना लेके वीडियो बना दिया, आपकी पिक्चर का गाना लेके किसी और पिक्चर में दिया गया, तो उसको सिंक्रोनाइजेशन. ये सिर्फ उसका 7 कंपनियों का. उन्होंने कहा हम आपको पिछले 6 साल का एक समझिए लमसम करके एक 13 करोड़ रुपया दे देते हैं. तो उन्होंने अब ये हम किसको ज़्यादा किसी को कम दें तो बात ही नहीं, इसलिए कि उसमें हिसाब तो है नहीं. तो हमने कहा कि भैया पहला जेस्चर है अच्छा, उन लोग का फ्रेंडली जेस्चर है, अच्छा काम किया उन्होंने, तो इसे हम भी अच्छी तरह इस्तेमाल करें. तो ये 13 करोड़ हमने जितने हमारे मेंबर हैं उनके ऊपर बांट दिए. उसमें कुछ बिल्कुल नए हैं जिनके 2 गाने हैं, 3 गाने हैं, 4 गाने हैं. अब हुए हैं जिनके 200, 500, 1000 गाने भी हैं, तो बराबर तो वो नहीं होता. तो बिल्कुल जो 10 से कम गाने वाले हैं, सिंगल डिजिट, उनको हर एक को 10,000 का चेक मिलेगा. और जो 10 से ऊपर 11 भी हो गए हैं, 10 हो गए हैं, वहाँ से लेकर कई सौ और हज़ार तक, जैसे समीर साहब हैं उन्होंने तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गाने लिखे, उन सबको 53,000. तो ये पैसा ऐसे बचूंगा, हमारे तो मेंबर हज़ारों में है ना, तो उन पर बट के 53,000 पड़ता है, वो हम दे रहे हैं.